आज हम रिंकल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आजकल रिंकल्स भी बहुत होते हैं और हमारी लास्ट वीडियो जो है वो इतनी अच्छी गई है, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि और किसी स्किन पर हमें बताइए प्रॉब्लम्स को क्लीन करने के लिए, तो आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। रिंकल्स दिखने का मतलब बुढ़ापे का, ठीक है, कि आपके ऊपर बुढ़ापा आ रहा है। रिंकल्स इसमें कोलेजन होता है मौजूद, जो हमारे स्किन में बढ़ती उम्र के साथ साथ कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे रिंकल्स दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, झुर्रियां नजर आ रहा, जिसको हम झुर्रियां भी बोलते हैं, झुर्रियां दिखना शुरू हो जाती है। तो इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। अगर हम टाइम पर इन सबको नहीं क्लीन करेंगे तो ये आगे बढ़ते बढ़ते टाइम में हमारे जैसे एज फैक्टर बढ़ेगा तो ये और ज्यादा डीप दिखेंगे और उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। फिर हम ब्रोटॉक्स वगैरह ये सब भी लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और लेजर वगैरह की कई टेक्निक्स हैं, लेकिन वो सभी की स्किन पर सूट नहीं करता क्योंकि कईयों के स्किन पर रिएक्शन हो जाता है उस चीज का, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा होममेड भी बता रहे हैं, आप कराने को वो भी करा सकते हैं, लेकिन वो तब करा सकते हैं आप जब जिनके बहुत डीप हो चुके हैं, जिनका एज फैक्टर भी बढ़ गया, जिनका एज फैक्टर के साथ साथ बहुत डीप रिंकल्स हो जाते हैं, तो वो ब्रोटेक्स और लेजर टाइप्स ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। बट आज हम जो बात कर रहे हैं हम उन पे कर रहे हैं जिनकी अभी स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि होममेड प्रोडक्ट देखो काम तो करते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनके बहुत डीप रिंकल्स हो चुके हैं अब ये इस पे लगा और ये जादू की तरह क्लीन हो जाएगा, तो भैया कोई जादू नहीं होता है लाइफ में, ठीक है, मेडिकल नहीं है कुछ भी, कोई चमत्कार नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल है, आपको काम करना पड़ेगा तो धीरे धीरे काम करेगा। होममेड की भी एक लिमिट होती है, होममेड प्रोडक्ट को कहाँ तक यूज करना चाहिए। तो जब हमारी स्टार्टिंग होती है रिंकल्स की तो तब हम इसको शुरुआत करेंगे तो हम शुरू में इसको कंट्रोल कर सकते हैं चीजों से। हम सैलून्स में जाके फेशियल भी करा सकते हैं और वो कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां जो प्रॉपरली आपके स्किन में ऑयल को इनबिल्ड किया जाता है मसाज के थ्रू या गैल्वेनिक के थ्रू, उसके साथ साथ अगर आप होममेड भी करेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है पैक आज हम उस पर बात करते हैं, बताते हैं हम आपको। एक बड़ा चम्मच आपको हल्दी लेना है, एक चम्मच या दो चम्मच, ठीक है, एक चम्मच अगर आपने हल्दी लिया है तो उसमें दो चम्मच आप गन्ने का रस मिला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि दो चम्मच ज्यादा होगा तो आप एक चम्मच भी रस मिला सकते हैं। एक या दो हमने इसलिए बोला है कि आप उसको मिक्स कर लें, अच्छे से पेस्ट बना लें। पेस्ट थोड़ा सा थिन होना चाहिए बट लिक्विड नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए, थिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थिन होगा तो वो इजिली स्मूथली लगेगा, ठीक है, अगर थिक होगा तो वो स्मूथ नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म होगा तो बढ़ेगा क्योंकि समर भी है, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, दोनों को मिक्स करना है, हमें पेस्ट रेडी करना है, फेस को पहले क्लीन करना है अच्छे से, फेस वॉश के साथ क्लीन कर सकते हैं, अगर आप सॉप यूज करते हैं तो सॉप के साथ भी क्लीन कर सकते हैं। सो क्लीन करना है आपको फेस को, डैप करना है टॉवल से ऐसे करके, ठीक है, डैप करके आपको उसको अप्लाई करना है पैक को। पैक को अप्लाई कैसे करना है, जो आपने हल्दी वाला पेस्ट बनाया उसको अपने फिंगर से लेके ऊपर की तरफ, ठीक है, देन ऊपर, ठीक है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, ऊपर की तरफ हमें अप्लाई करना है। नोज पे नीचे की तरफ आता है, अपर लिप्स पे भी नीचे की तरफ, लाफिंग लाइन पे भी नीचे की तरफ, ठीक है, फोरहेड सेंट्रल से राइट की साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट की साइड, ये हमारा एप्लीकेशन है। हमें इसको लगाना है 10 से 12 मिनट के लिए, हमें इसको छोड़ना है फेस पर। जब 10 से 12 मिनट हम इसको फेस पर लगाएंगे तो उस वक्त हमें फेस की कोई भी मूवमेंट्स नहीं करनी। सपोज उस टाइम कोई आ गया घर में तो हम उसको इशारे में बात नहीं करेंगे, गर्दन नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर हम मूव ऑन करेंगे तो हमारा स्किन भी मूव ऑन करेगा, स्किन मूव ऑन करेगा तो वो टाइट कैसे करेगा, उसको रिंकल्स फ्री कैसे करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, काम तो करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते, कुछ चीजें छोटी छोटी भूल जाती है, तो हम वो छोटी छोटी चीजें भी आपको रिमाइंड करा रहे हैं, साथ में टिप्स दे रहे हैं उस चीज की कि आप तरीके से यूज कीजिए तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको 10 से 12 मिनट जो लगाना है फेस पर, उस वक्त आपको बोलना नहीं है किसी से, फेस की कोई मूवमेंट्स नहीं करनी है। अगर आपने बैठ के लगाया तो आपको बैठे रहना है, अगर आपको लेट के लगाया तो लेटे रहना है, ठीक है, अगर आपने खड़े होके लगाया तो आपको खड़े रहना है, क्योंकि जिस पोजीशन में हम रहते हैं उसी पोजीशन में हमारी स्किन लिफ्ट करती है। अगर हम लेटते हैं तो नीचे वो फैल के लिफ्ट करती है, जब हम खड़े हो जाते हैं तो वो स्ट्रेट रहती है, जब हम बैठते हैं वो तो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, कभी अगर इस मामले में अगर आपको ट्राई करना होगी ये सही बोल रही है तो पैक लगा के जरूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा पोजीशन का, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। जब हमारे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं उसके बाद हमें लुक वार्म वाटर, ठीक है, लुक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी, उसके लेकर हमें फिंगर डिप करके उसकी हल्की सी मसाज देनी है और उसको क्लीन आउट करना है, ठीक है। इसे वीक में हम दो बार यूज कर सकते हैं, हफ्ते में दो बार,
इसको हमें यूज करना है, इसके हमें बेनिफिट जरूर मिलेंगे और इसको दिन में यूज कीजिएगा। यूज करने के तुरंत बाद, यानी कि तुरंत बाद या कह लो या एक घंटे तक आपको बाहर नहीं जाना। सपोज आपने लगा लिया और आपको भी याद, अभी यार मुझे तो मार्केट जाना था अभी, बट नहीं आप नहीं जा सकते उस वक्त। अगर आप जाओगे तो रिजल्ट फिर जीरो ही मिलेगा आपको, क्योंकि पैक लगाने के बाद आप डस्ट में जाओगे, बाहर एयर पॉल्यूशन में जाओगे, तो वो डस्ट आपको क्या करेगा, आपकी स्किन को हार्म ही करेगा ना, तो आपको वो नहीं करना है। तो आप जब भी लगाएं तो उस चीज का ध्यान रखें कि आप एक घंटे तक बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है गाइस, हल्दी और गन्ना हमने क्यों यूज किया, क्योंकि गन्ने के अंदर जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है, देन हमारी स्किन को रिपेयर करता है और हमारी स्किन का जो ढीलापन है उसको टाइट करता है। जो हल्दी होती है टर्मरिक, वो एंटीसेप्टिक होती है, हमारे स्किन के फंगस को क्लीन करती है, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स उसको भी क्लीन करती है। इसीलिए हमने गन्ने और हल्दी का पेस्ट आपको बताया। आई होप आपको हर एक बात छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समझ आई हो। अगर आपको समझ आई है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें जरूर लिखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है। अगर आपको कुछ और जानना है तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।